एक्चुअली मेरा मानना यह है कि क्योंकि नॉर्मली मैंने सुना है कि एक तरीके से SC ST के लिए ज़्यादा जो फोर्स किया गया है इसमें जो किया गया है, तो उसमें एक्चुअली यही बच्चे रह जाते हैं जिनका सपना होता है, लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने के जो होता है तो ये रह जाता है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन अभी ये जो योजना चलाई है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, मेरे लिए एक गोल्डन चांस है। अगर ये हो जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मैं ये चीज़ कर पाती हूँ, क्योंकि नॉर्मली फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मुझे अगर ये होता है तो मेरे लिए सीरियसली बहुत अच्छा है। आपका नाम? नेहा संजय। नेहा संजय जी, आप क्या कर रही हैं इस समय? एक्चुअली मैं अभी फ़िलहाल तो मेरा जो एम है वो IAS के लिए है, लेकिन मैं SSC के अभी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि IAS की इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि सीरियसली फाइनेंशियली प्रॉब्लम। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं MA वगैरह कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें करूँ, मेरे लिए गोल्डन चांस है अगर ये हो जाता है तो। मतलब दिल्ली सरकार का मानना है कि जिन बच्चों के अंदर अगर प्रतिभा है तो उन बच्चों को गरीबी सामने नहीं आएगी। जी, ये बहुत अच्छी बात है अगर ये करते हैं तो, अगर ये अपने वादे पे अटल रहते हैं और ये सब करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू।